आप सभी का स्वागत करते हैं चलती चौपाल में। और आज हम सात्यू गांव में, तारानगर तहसील का सात्यू गांव हमने कवर करने की कोशिश की है। और यहां सात्यू गांव में क्या स्थितियां रहती है, कैसे क्या बातें होती हैं और लोगों के क्या विचार हैं, विकास कार्य कैसा हुआ है, कौन यहां पर मुख्य कार्य करवाने वाले लोग हैं और तारानगर विधानसभा अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों में अधर झूल में है, कौन इस बार यहां पर टिकट लेकर आएगा, कौन यहां पर चुनाव लड़ेगा, प्रत्याशी की संख्या भी बहुत लंबी चौड़ी फेरिस्त में आ रही है, तो क्या होगा, कैसा होगा, कुछ कयास हम लोग लगाते हैं। सात्यू गांव बहुत बड़ा गांव है, यहां पर कुछ लोग अपनी बातें कहेंगे तो हमें नजर आएगा। सात्यू गांव के सभी नौजवान और यहां पर जागरूक लोगों का हम चलती चौपाल में स्वागत अभिनंदन करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अभी हमारे साथ जो है यहाँ पर मंचस्थ दो अतिथि हैं, सबके नाम तो मैं एक एक नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जब बात करेंगे तो परिचय हम ले लेंगे। लेकिन ये गणमान्य है और सात्यू गांव की विकास की धारा को ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं और ये आपको बता सकते हैं कि सात्यू में क्या होना चाहिए था, क्या हुआ है और आगामी विधानसभा चुनाव में सात्यू की क्या अपेक्षा रहेगी आने वाले उम्मीदवार से और कौन उम्मीदवार आने की संभावना रहती है और पिछले चुनावों में सात्यू गांव का क्या रोल रहा था चुनावों के अंदर, विधानसभा चुनाव के अंदर, ये कुछ बातें हम लेकर आएंगे। तो यहाँ सरपंच के प्रतिनिधि के रूप में बालूराम जी हमारे साथ हैं। बालूराम जी, अगर सरपंच, क्योंकि पंचायत ही गांव में सब सर्वोपरि होती है, अगर आप कहें तो इस गांव में सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते क्या कहेंगे आप इस गांव के विकास की धारा से, आपसे ही शुरुआत करें। सरपंच प्रतिनिधि के रूप में अगर मैं बात करूं और स्वयं को काम करने वाला कभी अपने काम को ये नहीं मानता है कि मैंने काम नहीं करवाया। यहाँ मतदाता कितने कितने वोट पड़ते हैं? ये नहीं, लगभग 80% वोटिंग होती है, वोटिंग होती है, 5200 वोट है। 5200 वोट है, अभी बढ़े हैं कुछ, 5800 पंचायत के हैं, पूरी पंचायत गांव गांव के। चलो मैं, अच्छा 5800 वोट जो है वो सात्यू में रहते हैं और 5800 वोटों के आधार पर, दमखम पर, आप क्या मानते हैं कि आज सात्यू में किसी चीज की कमी है या आपके पास सारी चीजें जो है सात्यू में है? जी चलो, सरकारी योजनाएं हैं या राज्य सरकार है, राज्य सरकार के कुछ महत्वपूर्ण योजना होती हैं, उसके माध्यम से जो काम होता है, भी बड़ा गांव है, हर तरह की सुविधा होनी चाहिए। पक्ष की बात करें तो यहाँ का जो सरपंच है वो कांग्रेस बिलोंग करते हैं और बीजेपी की सरकार जी। इसके चलते कुछ हद तक असमानता रहती है, ये स्वाभाविक है, पक्ष विपक्ष के हिसाब से काम का भी। जल स्वावलंबन योजना है राजस्थान सरकार की, उसमें ये पंचायत नहीं जुड़ी। अच्छा, और नहीं जुड़ने का कारण आप सर? अच्छा, आप ये मानते हैं कि ये कांग्रेस से समर्थित पंचायत थी इसलिए जल स्वावलंबन में ये नहीं जुड़ पाई, और जल स्वावलंबन में अगर जुड़ती तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति के घर तक कुंड बनते, धारा बनते और भी बनते, ये जो योजना है जल स्वावलंबन के तहत है जी। और बीपीएल और एससी एसटी के जैसे नरेगा के तहत जो कुंड बनते, ये तो एक सरकार की प्रक्रिया, सभी पंचायतों में प्रक्रिया जी। तो ये आपके द्वारा बताया गया है कि यहाँ लगभग सारे कार्य हुए हैं और ये एक छोटी सी बात कि जल स्वावलंबन उसमें जो है ये ग्राम पंचायत नहीं जुड़ी। बीजेपी से कोई है प्रतिनिधि के जी? सात्यू गांव के पंचायत में और घर घर टूटी कर दी, अब चालू हो रही है काम, और डाणी डाणिया में लाइट लुआ थी और काम करने में कोई कमी कौन छोटी, और सरकार का जो काम गया वो काम हो, खूब काम हो, कोई काम ही कमी नहीं है आज के दिन। तो जल स्वावलंबन का जैसे कह रहे हैं कि वो नाम नहीं जुड़ पा, क्या कारण रहा? अब कारण तो ये जाने के कि आपका जुड़ाया कोई, के को जुड़ाया कोई, आप तो काम करता कभी जुड़ाओ तो जुड़ाता है, कोई आगे कन का मन में बड़ा हो कि आपने जुड़ाना चाहता तो मतलब क्या जुड़ा, गांव की मीटिंग लेता, गांव ने पूछता भाई का जुड़ावा था तो गांव जुड़ाऊ तो जाके। अच्छा, तो मतलब इसका प्रस्ताव भी नहीं बना, ये जुड़ने के लिए कोई विचार भी नहीं बना? नहीं, सारा कोई प्रस्ताव नहीं है, गांव का गया बताओ भाई, गांव का गया प्रस्ताव रखिए अपना जुड़ावा और वहां बताओ जुड़ाऊ था दाल कड़ी आगे कड़ी कहे में क्या जुड़ा भाई, कोई काम हो तो क्या काम ही खाते बताओ, लाइट आगला खेता लगवा दी,
भीड़ में बस नहीं बंगा आप गोत्र को होने लगा दी और गांव में टूटी खतरबात हुई तो वही पानी ही सरकार में टूटी लगवा जाऊंगा तो अब टूटियां काम चालू हो रही है और गांव ने पूछ लो सारा बात कोई काम कभी बन रखी गया वो काम खबर तो सारे काम हुए हैं जैसे बीजेपी से जुड़े हुए प्रतिनिधि के रूप में आपने कहा है कि सारे काम हुए हैं इन्होंने कहा कुछ कमी रही स्वामी जी आप क्या कहेंगे अपने विचार आप बताएं देखो साहब बात यह है कि हमारी सड़क चारों बेर है बाग मैंने रोज की पंचर गिरानी पड़े खड्डा ही खड्डा पड़े बीजेपी का वो काम हो हमारे सब बढ़िया तो पिछले पांच साल हमारे बैद जी अठो चुनाव लड़के गए सी एस बैद मुड़के मैंने पांच साल अब संभाला को नहीं राजगढ़ तहसीलों जाना पोनियन लिया वो मुड़के तारा नगर आवे बात है साहब और थोड़ा काम कराना है उमर शंकर गंजावा में चूरू जाके वो हमारी तहसील को काम है थाने को काम है हॉस्पिटल को काम है वो हमारो काम करावा नहीं मैंने बीजेपी वाला सारे लागू दी नहीं काम करावे ताव गंजावा से क्या को बोले राठौड़ गंजावा से क्या को बोले जयनारायण जी गंजाओ थर तो जयनारायण जी है काम है कोई मास्टर को ट्रांसफर करना है खड़े बाट में और जे लेना है तो मारे तो काम का टब नजीक दूर ही बैठे कोई नजदीक में बन गया पांच साल में काम हो पिछली चुनाव के टाइम में और योजना पानी यारी बोल के गया से कि आप 2019 का माल लगेगा पानी 18 में वही पानी कौन लगेगा अंगे राज्य के मायने प्रस्ताव जरूर आप पास करें पर 18 में पानी कौन आएगा कोई गांव में अच्छा पानी की जो समस्या थी जो धरने पे बैठे थे उसकी कोई समाधान बैठा है अभी कोई समाधान कौन बैठा है एक बार मान दो कह रहा है कि पाइप आ रही है आज 10-15 साल पहले बैठी एक लाइन लाया गटर की चक्के बोले हूँ रेल लिया लाइन बैठे ही पड़ी हमारे कहने दूर रेल को नहीं आई है जो पाइप ही आया हमारे दूर पानी को नहीं आया साहब पाइप पांच पाइप लाके गिर रखे क्या पानी ला सा कोई पानी को नहीं आया अभी तक गाँव में तो आपका जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों की आपने विचार बताए हैं और यहाँ पर जो गांव में विकास कार्य है उसमें सड़क के बारे में आपने बोला कि वह सड़क जो है टूटी हुई हालांकि हम भी राजपुरा से आए तो वो सड़क टूटी हुई थी टायर का डर लगा कि कहीं पंचर नहीं हो जाए जी क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे पार्टी एक ही है साहब बीजेपी का नहीं बोलेगा कांग्रेस का नहीं बोलेगा तो आप कॉमरेड है आप कॉमरेड का थोड़ा सा यहाँ वर्चस्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है पुराने लोग जाते जा रहे हैं तो कम हो रहा है लेकिन फिर भी अच्छी बात कहने में कहीं शंका नहीं होती क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे काम होनो वो सारो चार पांच महत्वपूर्ण काम हुए पानी तो पानी हमारे व्यवस्था सही चल रही है पीने वाले पानी हाँ बिल्कुल सही है पीछे सरकार कांग्रेस की बैंक मैंने मास्टर लाइन बहुत कमी अब 4-5 साल का मायने हमारी स्कूल का मायने से व्यवस्था चल रही है स्कूल बंद कर दी हुई गांव में व्यवस्था ही बात है नहीं गांव की हम गांव की पंचायत की बात करें पंचायत में क्या पंचायत एकदम सही है हमारे सरपंच मान लो विकास हो रहे गाँव में काम कम हो जाए नहीं तो और ज्यादा विकास हो तो पड़ोसी गाँव आना 12-13 करोड़ को काम हो जाए सही मान लो विकास होगा वो हमारे गाँव में बाबी की कमी रहेगी बाकी पानी की बिजली की और शिक्षा की कोई कमी नहीं रोड पास होगी और रोड है हमारी एकदम सही है आज 5 साल पहले जब राज गयो कांग्रेस को भी टाइम के बाद देख लियो राज देखो सारी रोड सही है तो टूटी टूटी उसकी रिपेयरिंग हो रही है अब यहाँ जो बैठे हैं आप क्या कहेंगे आप केवल बैठ के देखेंगे सुनेंगे हाँ बाबू जी आप कुछ कहना चाहेंगे चलिए अब आम जो जन है युवा देखिए युवा अपने विचार जो है रखना चाहते हैं यहाँ कोई सामने बैठे हो उनको कोई बात हो तो उनका जवाब आप दे सकते हैं तो आपको जवाब देना है जी प्रदीप शर्मा जी प्रदीप जी बताइए आप अगर यहाँ की बात करें सातू गांव की बात करें विकास की बात करें तो क्या आप संतुष्ट हैं संतुष्ट नहीं है इस बात से अच्छा रोजगार नहीं मिला युवाओं को और शिक्षा में भी कमी है स्वास्थ्य में भी कमी है सब कुछ भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया ये सरकार तो ये तो बड़ी बात कर दी आपने मैं केवल ग्राम पंचायत की बात करूँ ग्राम से जुड़ा हुआ हमारी सरकार होती है गाँव एक छोटा एक इकाई है इस इकाई में आप बात करें सातू में क्या आप चाहते थे और क्या नहीं हुआ आपका सरपंच प्रतिनिधि कांग्रेस का होने के कारण बीजेपी का सरकार होने के कारण यहाँ विकास नहीं हुआ अच्छा विकास नहीं हुआ अभी कह रहे थे कि सारा विकास हुआ है यहाँ पर और सड़कें वड़के बनी है जी यहाँ कुछ लोग खड़े जी क्या कहेंगे महादेवी जी
अच्छा मुआवजे मुआवजे की तकलीफ जो है वो है यहाँ जी 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 क्या क्या कहना चाहेंगे क्या क्या कह रहे थे गैलो पूरे शिक्षक बता रहे जी हाँ आप क्या कह रहे थे ये डूबता डोल है बीजेपी का और 54,000 की शिक्षकों भर्तियां ना जाति सरकार निकाल रही है और अभी तक उनको धोनी की भी नहीं मिली है भर्ती निकाली है एक दर्द है कि कोर्ट में अटक जाती है और युवा जो है वो आगे नहीं आ पाता रोजगार के अगर इस उम्र में 30-35 साल की उम्र में एक युवा कुंठित होता है तो बड़ा मन खराब होता है आप ही अभी परीक्षा दे रहे हैं आप अपनी वेदना कहना चाहें तो क्या मैं ये कहता हूँ कि सरकार ने कुछ भी बेरोजगारों के लिए बिल्कुल ही कुछ भी काम नहीं किया है बेरोजगार ने कुछ नहीं किया किसानों को बीमार कर रखा है जी। किसान और युवा ये बहुत महत्वपूर्ण है तो गहलोत साहब पूरी भर्ती के लिए गए होंगे और पूरे किसानों को भी देखो ₹50,000 के सीसी में किए थे उसमें बदल गई और बदल करके कोऑपरेटिव ले आई। हाँ हाँ ये मुद्दा आया था कि ₹50,000 माफ होने थे लेकिन वो एक हवा चली थी कि ₹50,000 माफ होंगे अखबार में आई थी फिर उसके बाद कयास लगाए गए कि यूपी में जैसा होगा वैसा राजस्थान में होगा तो यूपी में ₹50,000 माफ हुए थे यहाँ फिर आई तो बाद में बात हुआ कि केसीसी में माफ करेंगे फिर केसीसी से कोऑपरेटिव में आ गई कि जिनका कोऑपरेटिव में लोन लिया हुआ है उनके ₹20,000 माफ होंगे तो ये एरिया बहुत शॉर्ट हो गया फिर किसान को आम किसान को लाभ नहीं हो ये आप कहना चाहते हैं कोऑपरेटिव ने 5% है हमारे यहाँ 5% लोन ले रखा है उनको तो मैं 5,000 देंगे 4,000 का 50,000 तो गया हुस्त हो गया 20,000 जो है वो माफ हुए इस बात की वेदना इनको है तो इस वेदना का कोई जवाब देना चाहेगा कोई जवाब देंगे आप ये जो कह रहे हैं ये बात सरकार की योजना मान लो पीछा हमारा है गल आए तो गल नहीं सरकार की योजना में लोग पीछा है तो खत्म जाकर देखो कि तो 15,000 आया कि 10,000 आया गल आए वो तो ये कह रहे कि 20,000 तक तो माफ हुआ है तो आप संतुष्ट है 20,000 तो 20,000 संतुष्ट जैसे गल ने संतुष्ट किया हो सरकार से सरकार में के एक मुआवजा आगे बाकी हो अब रोड की बात चल रही है 1,18,00,000 का पास हो रहे हैं रोड का थे आए और अजबरा हो गए इजाड़ों लेके तारंग पास हो रहे हैं पीछा एक महीना हो गया पीछा पास हो रहे हैं अब चलो जो काम और आज काम कोई काम किया बताओ काम नहीं हुए तो बाद में जवाब दो आज क्यों कोई काम हो हमारे कोई काम कराओ तो काम नहीं बताओ अच्छा अब एक बात बता दीजिए कि सातों गांव जो है वो आम तौर पे पिछली बार की वोटिंग की बात करें तो 3 उम्मीदवार मुख्य मानते हैं हम एक तो कांग्रेस से एक बीजेपी से और एक उमा शंकर जी निर्दलीय थे तो इन तीनों की वोटिंग की अगर बात करें सातों गांव से उमा शंकर जी हैं तो कितने वोट मिले थे उमा शंकर जी को यहां से कितने 1400 वोट 1400 और कांग्रेस और बीजेपी को और बीजेपी को मिला 762 और कांग्रेस को मिला 1200 कितना मिला 1200 1200 अच्छा इस बार आपका गांव का जो कयास है वो किसको मानता है कांग्रेस से कौन प्रतिनिधि आएगा बीजेपी से कौन क्या क्या आपका कयास क्या है गांव तो पिछली बार दिया उमा शंकर जी बाकी कांग्रेस ही हो और अब कल टिकट मिला 100% वोट गांव है जो देखो और 5 साल है कांग्रेस की सरकार गहलोत जी रहे हो 5 साल किसान मुआवजो मिलो और बीजेपी सरकार के मायने सिर्फ 5 साल में एक बार मुआवजो मिली हुए एक बार मिली हुए
और पिछली बार अड़े गांव में और ओलावृष्टि हुई, मूंग किसानों का मूंग आज का सारा नष्ट हो गया, कोई सैंपल ले गया जयपुर तानी माटी की गाड़ी भर भर के और कोई भी सौ नहीं मिले बटे, सारा किसान रोता फिरे यही, कोई भी सौ नहीं है। तो ये किसानों की एक तकलीफ है। तो यहाँ पर देखिए ज्यादा मुद्दा निकल कर आ रहा है युवाओं और किसानों का, तो आप बहुत सारी बातों के जवाब दे रहे थे, क्या कहेंगे इनकी जो तकलीफ है, आप बीजेपी से बिलोंग करते हैं, जुड़े हैं, क्या कहेंगे? देखो केसीसी के मामला ने मायने 20-30 हजार रूपए खर्चो लगे, वास्तविकता बताओ ज्यादा तो, अरे ये तो लेके रुपया 5-5 लाख है, 2 रुपया सैकड़ों बांट रही है, और मान लेते जो वो बोल सारो मुआवजो मुआवजो के नाम जो है और कई लोग ले लेते हैं लोन, लोन लोन ले गए दारू मीट कर जाते हैं, फिर के मार कर दो माफ कर दो, इसलिए आप कर्जे माफी के पक्ष में नहीं है, सही युद्ध में नहीं ले रहे पैसे, सही युद्ध में नहीं ले रहे पैसे, बस लेके कह दो 2 रुपए सैकड़ रहते तो कोई खा जाता है, मारो कर दो माफ करो, बिल होता बन गया, अरे क्या दारू मीट कर दिया, और वास्तविकता चाहिए कि तो है कि भाई अभी खेती के हिसाब हूँ भाई, खाई गोदनी है, कोई बीज गिरनो है, दवाई गिरनी है, भी खतरो लाख खंड 50 हजार इतना ही चाहिए, 5-5, 10-10 लाख रुपया ले रखे कर दो, अरे गाड़ियां कटा रखी वाश लेट होगी ले कर दो माफ कर दो। ये केसीसी के बारे में कह रहे हैं और खेतों में बहुत सारा लोन लेकर उसका पूरी माफी के लिए मना कर रहे हैं कि भाई इतनी माफी ठीक नहीं है, अपने रुपए का जो है सदुपयोग करें। यहाँ कुछ युवा उनके विचार देखते हैं। हाँ, क्या नाम है? विकास शर्मा। हाँ विकास, क्या कहें, गांव की ग्राम पंचायत में एक तो साफ स्वच्छ नहीं है गांव की पंचायत, और अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, और मूलभूत जो आवश्यकता है उनकी कोई भी पूर्ति नहीं है, जैसे पानी ले लो, शिक्षा ले लो, बिजली ले लो, कुछ भी ले लो, तो पानी पानी के जैसे उन्होंने कहा पानी की यहाँ सारी समस्याएं जो है पानी की नहीं है, पानी तो पूरी तरह से आ रहा है, पानी सर एक दो दिन से आता है 2-4 घंटों के लिए, बाकी कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, पानी नहीं है, साफ सफाई, साफ सफाई गांव के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, साफ सफाई का मुद्दा है क्या? ये साफ साफ सफाई कह रहे हैं गांव में साफ सफाई नहीं है, सरपंच साहब के प्रतिनिधि हैं। साफ सफाई के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसके लिए हर जन को जागरूक होने की आवश्यकता है, इसमें अगर पंचायत का ऐसा कोई बजट नहीं है कि वो गांव की नगर पालिका है, नगर पालिका में अतिरिक्त बजट होता है, कर्मचारी रख सकते हैं या अन्य संसाधन होते हैं उनके माध्यम से वो साफ सफाई करा सकते हैं, ऐसा बजट है नहीं, तो इसके लिए हर एक व्यक्ति को जागरूक होने की आवश्यकता है अगर अपनी ग्राम पंचायत को स्वस्थ रखना चाहते हैं। सही बात है, तो ग्राम पंचायत को जागरूक रखना चाहते हैं जी, यहाँ गांव में क्या बहुत जागरूक लोग हैं, देखिए अपनी अपनी बातें कहते हैं, मैंने कहा इनको कि इनके एक एक शब्द मोतियों के समान है और उन मोतियों को हम समेटना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं बड़े संन्यासी बड़े त्याग प्रवृत्ति के लोग हैं, मोतियों को सड़क पे बिखेर रहे, हम नहीं चाहते ये मोती सड़क पर बिखेरे, हम इकट्ठा करेंगे, तो आप अपने मोतियों को कैसे क्या क्या शब्द कहेंगे? साफ सफाई के बारे में बात कही थी इन्होंने, क्या नहीं आप क्या कहेंगे कि यहाँ बोलना नहीं चाहते, केवल आप इनको जो है समर्थन में माने सभी बातों में जी, ये नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं बाबू जी, कोई बात नहीं, गराई बोलियो आपने अठे कौन बोल लो, हाँ और कौन जी, हाँ 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 हमारा गांव बहुत बढ़िया गांव है, हाँ। ये हमारे गांव में भाईचारा बहुत अच्छा है, हाँ। और यहाँ का जनप्रतिनिधि है ना, हाँ। वो भी लगातार 10 साल से बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, हमारी कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह और आप बैठ करके हम निपट लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कोई किसी के इतने का भेदभाव नहीं रखते, भाई भाई में हम बैठ करके वो चीजें सील वगैरह से नहीं होता है, पंचायत का जनप्रतिनिधि बैठे भैया ये ऐसे सुन लो, बहुत बढ़िया मामला, और सफाई की बात सुनो सफाई बहुत कुल मिला की बहुत अच्छी है, और गाँव से और उसकी पंचायत नहीं गाँव बहुत बेहतर सफाई है, बहुत बढ़िया बात आपने कही है, और पंचायतों से अच्छी, बिल्कुल बिल्कुल सर, तो इन्होंने कहा कि और पंचायतों से हमारी सफाई जो है अच्छी है और यहाँ पर ऐसा कोई खास मुद्दा नहीं है, तो यहाँ जो अभी सरपंच प्रतिनिधि ने कहा था कि
सरपंच प्रतिनिधि ने कहा था कि भाई कोई बजट नहीं होता सफाई के लिए, हमें आमतौर पर खुद को जागरूक होना पड़ेगा। सुभाष शर्मा यहाँ पर है, निजी विद्यालय चलाते हैं। सुभाष जी क्या कहेंगे एक युवा होने के नाते, यहाँ पर हमने देखा कि ज्यादातर कांग्रेस मानसिकता जो है मुझे ज्यादा यहाँ पर दिखी, क्योंकि उमा शंकर जी भी यहाँ से है, तो एक जुड़ता है जुड़ाव की मेरे गांव का बच्चा है ऐसा विचार होता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, हमारे गांव का सभी लोगों की यही तमन्ना है कि उमा शंकर जी को इस बार कांग्रेस पार्टी है वो टिकट दे और वो भारी बहुमत से जीते और कांग्रेस में मंत्री बने, ताकि हमारे गांव का विकास भी हो सके और गांव नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके। जी ये तो गांव की ही व्यक्ति की बात थी इसलिए हमने ले लिया, वरना हम इस तरीके की जो है विचार नहीं लेते। लेकिन आप गांव के विकास की अगर बात करें, यहाँ जो लोग बैठे उन्होंने विकास कहा भी है कि विकास नहीं भी हुआ, दोनों ही बातें हैं, आप अपने विचारों में क्या कहें? सर हमारा गांव मिला जुला गांव है, वैसे देखा जाए तो हमारे गांव में पीने के पानी की जो बता रहे थे, कुछ कह रहे थे व्यवस्था है, मोहल्ले वाइज जो बनी हुई है टूंटियां, तो वहाँ 3 से 4 घंटे रोजाना पानी भरने के महिलाओं के लग जाते हैं, वो ना तो अपने बच्चों पर ध्यान दे पाती हैं, और इस चक्कर में कई लड़कों की शादियां भी नहीं हो पा रही है। अच्छा, तो यहाँ का लिंगानुपात भी बिगड़ता जा रहा है। अच्छा, तो ये अपनी योजना का ही पानी आता है यहाँ? बिल्कुल सर, अपनी योजना का आता है, लेकिन मोहल्ले वाइज स्टैंड बने हुए हैं और वहाँ पे काफी भीड़ हो जाती है, 3 से 4 घंटे का समय एक महिला को आराम से एक घर का पानी भरने में लग जाता है। अच्छा, और बाकी का पानी जो एकदम खारा पानी है? हाँ, जमीन का पानी जो बोरवेल से पानी जिन्होंने करवा रखे हैं तो वो पानी गांव के अंदर खड़ा ही है, तो ये पीएसपी का पानी जो आता है पेयजल का वही है। अच्छा, तो कहते हैं कि जहाँ का पानी खारा होता है वहाँ के लोग बड़े मीठे होते हैं, तो यहाँ के लोग मीठे हैं और जहाँ मीठा पानी है बैठे डांग बजाओ है धन बताओ, बहुत लड़ाइयाँ होती है, केस मुकदमे ज्यादा होते हैं, तो आपका गाँव क्या शांति प्रिय गाँव है, आप क्या संज्ञा देना चाहेंगे गाँव को? बिल्कुल, वैसे देखा जाए शांति के हिसाब से देखा जाए तो हमारा गांव एक आदर्श गांव है सर, और काफी एजुकेशन का भी पिछले 10-12 साल में काफी स्तर सुधरा है हमारे गांव का, लेकिन थोड़ी बहुत ये सुविधाएं, एक तो जैसे लाइटों की शाम के समय सभी गलियों में जो गांव है वो कस्बे का रूप लेता जा रहा है, लेकिन सारा अंधेरा होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है, तो स्ट्रीट लाइट की ये एक अच्छी मांग है, स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है। आगामी जो भी आपके गांव में आए उनके सामने आप बात रख सकते हैं, हमारे चलती चौपाल में आपका ये मुद्दा अच्छा आया है। बिल्कुल सर, मैंने ही ये पेयजल कनेक्शन के लिए भी पीछे ये मुद्दा उठाया था कि गांव में घर घर कनेक्शन होने चाहिए, ताकि जो आजकल जिन भाइयों की शादियां हो रही हैं और जो वधुएं आ रही हैं वो पढ़ी लिखी हैं, तो वो कम से कम अपने बच्चों पर ध्यान दे पाए। बहुत सही बात। हाँ, तो इसीलिए, और उस पर अब कार्रवाई भी हो रही है, मेरे को ये तो पता नहीं, चुनावी स्टंट है, ये कह रहे हैं कि आपके घर में कनेक्शन हो जाएगा, हो जाए तब की बात। हाँ चलिए, पाइप तो आ गए, जैसे अभी प्रताप जी ने कहा था कि पाइप तो आ गए हैं, नहीं पता नहीं कैसे आए हैं। राकेश जी हमारे साथ है, पास के गांव से जुड़े हुए हैं। राकेश जी क्या कहेंगे, आप यहाँ की सारी जो है चर्चा सुन रहे थे, क्या विचार है आपका तारानगर पंचायत के हिसाब से? हमारे तारानगर तहसील की बहुत बड़ी पंचायत है, विकास की दृष्टि से सभी ग्रामवासियों ने बहुत ही अपने अपने विचार रखे, शुद्ध तरीके से विचार रखे, इनमें किसी प्रकार की आपस में मनमुटाव की स्थिति देखने को नहीं मिली। जो आम समस्याएं होती हैं ग्रामीण की, शायद या तो किसी कारणवश ये बताने में असमर्थ है या बताई नहीं गई होंगी, या यहाँ पूर्ण विकास हुआ होगा, क्योंकि मैं हरियाल पंचायत का हूँ, तहसील तारानगर लगती है, बाकी पंचायत मेरी हरियाल है। बोलते हैं सर, सारे लोग यहाँ उपस्थित जो भी हैं, इतने बड़े गांव में चलती चौपाल में मैं युवाओं के माध्यम से या बुजुर्गों के माध्यम से जो सारे यहां विराजमान हैं, एक इतना बड़ा कार्यक्रम आपके टीवी चैनल के माध्यम से आपकी समस्याओं को सरकार तक अवगत करवाने का काम किया जा रहा है, उसमें अगर आप मैं संख्या देखूं तो सातू गांव के हिसाब से बहुत कम संख्या है, क्योंकि आप लोग जब आएंगे समस्याएं दूर कब होंगी, जब हम लोग उन समस्याओं से सामूहिक रूप से अवगत कराएंगे, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मीडिया हो, उसमें हम अगर कंजूसी कर रहे हैं तो वो आप अपने आप से भी नाइंसाफी कर रहे हैं। आपको यहाँ आके चलते चौपाल में आके बहुत ही शुद्ध तरीके से अगर आप समस्याएं रखेंगे, आपकी समस्याओं को मीडिया के द्वारा त्रिनेत्र चैनल के द्वारा आगे तक लेके जाएंगे, तो ये थोड़ी सी कमी जो महसूस हुई वो आपको महसूस हुई,
इतने बड़े गांव में जब कस्बा का गांव है, सुभाष जी कह रहे थे कि कस्बा है और स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए, तो दिमाग की स्ट्रीट बत्ती मत बुझाओ, दिमाग की बत्ती भी जलती रहनी चाहिए। तो लोगों को इस तरीके के मुद्दे उठाने के लिए चौपाल में अवश्य आना चाहिए। ये चौपाल है, चौपाल अब खत्म होगी, अब तो गुमटी होगी, चारों मेर जगह है, न्यारा न्यारा बैठा लग गया। चौपाल होती है जिसमें सब लोग बैठते हैं, ये हमारी चलती चौपाल है। हमें पता नहीं यहाँ पर कौन क्या समस्या है। लाल सुभाष जी अभी कह रहे थे, जैसे बात क्या कहे, मैं ये कहना चाह रहा था, इन्होंने कहा कि उपस्थिति कम है, तो गांव की 80% से ऊपर आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है और अभी कृषि कार्य निपटा नहीं है पूरी तरह से, तो लोग खेतों में लगे हुए हैं। सर बहुत सही बात है। अच्छा, और युवा कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, क्या कहें? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा गाँव सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण का एक अस्तित्व है, यहाँ सभी कास्टलिज्म भी है भी नोट भी है, लेकिन मैं आई होप दैट द कांग्रेस विल बिकम इन सून। अच्छा, तो आपका ये विचार है कि कांग्रेस जो है वो मजबूत तरीके से आएगी, और युवा कोई विचार अपना रखना चाहे यहाँ पर जो युवा है, क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहोगे? जी ये बोलना था, तो मेरे गांव में पावर हाउस आना था, पावर हाउस पर चले गया, रात पर गया अपने आप चल के, उसको ले गया। हमारे गांव में कोई विकास नहीं, पानी का लाइट का अजगुन अभी रहता है। अच्छा, कोई और सुन नहीं, हमारी बात नहीं सुनता। चलिए, बहुत बढ़िया बात, इन्होंने अपनी बात तो रखी कम से कम, बहुत बढ़िया। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ, ताली खुद भी बजाई है जी। और कोई अपनी बात रखना चाहे? आज चलती चौपाल में हम लोग जो है ये चर्चा यहाँ कर रहे हैं, क्या क्या कहेंगे आप? अब हम हमारी चलती चौपाल को यहाँ समझते हैं, मुख्य मुद्दे यहाँ पर आ गए, स्ट्रीट लाइट लगाने की एक समस्या यहाँ बताई, पानी की एक समस्या बताई, बाकी शिक्षा का इन्होंने कहा कि शिक्षा में अब कोई टेंशन नहीं है, यहाँ सड़कों की कोई टेंशन नहीं है, क्या कहेंगे? देखो साहब, विजय प्यार दवाई कहेंगे, सड़क की टेंशन कोनी, शिक्षा की कोनी, पानी की भी कोनी। तो सड़क है नहीं है अभी, सड़क है ऐसे, तो एक मुख्य मार्ग की बात करें तो मुख्य मार्ग जो अडियाल से तारानगर है एकदम फूटी हुई, टूटी फूटी हुई है। उसको सेंक्शन हो गया क्या? आपने कहा सेंक्शन हो, वो सेंक्शन हो चुका है। इनको जो 6 महीना में गए हुए रोड पर, इन पेरो तो कोई नहीं गए, रोड कटे हैं, वो खेत में रहे हैं। चलिए चलिए, अच्छा बताओ आज 2-4 महीना में वो तो गए होगा नहीं, वो तो खेत में रहे, आज ही लाया। चलिए, पास हो गए क्या? पास हो गई है, देखिए वो सड़क पास होगी। और बताइए दूसरी पानी की समस्या बताइए जी। हाँ हाँ हाँ, कहने दो। देखिए, मन के उद्गार किसी के मत रोकिए, मन के उद्गार किसी के मत रोकिए। अरे तो फिर बोलो, क्या कहते हो? बोलने का समिति है भाई, तो रसीद कट लगे 1100 रुपया के, और आपका टूटे लगे 500 तो रसीद कट गए। कांग्रेस को काम है झूठ बोलो, ठीक है, स्वार्थी को नहीं, झूठा वादा तो यार बात कर रहे हैं। आपने टंकी का फाउंडेशन भरा हुआ, इन्होंने कहा टंकी नहीं मिली, लेकिन टंकी का इन्होंने कहा टंकी का फाउंडेशन भरा हुआ। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं, बोल नहीं, बात सुनिए, आइए आइए आइए, सुनिए सुनिए, आइए 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 आइए, सुनिए विकास की बात बताइए। जी जी जी, सुनिए विकास की, देखिए आप सुनिए एक बात, आपकी बात हो गई, सुनिए आपकी भी सुनिए, आपकी भी बात सुनिए, किसी की बात कटेगी नहीं, पूरी की पूरी आएगी। अब सुनो, अरे सुनिए सुनिए, आप जो बात कहना चाहते हैं बड़े अच्छे तरीके से कहिए, और उस बात को हम दिखाएंगे, कहीं किसी बात को हम कट नहीं करेंगे, आप जो बात है वो बात बताइए जी। एक बार शांति से सुनिए, अभी तो कह रहे थे यहाँ साथियों में हम बड़े प्यार से रहते हैं, अभी तो कह रहे थे ये सारा टीवी पर जाएगा, फिर देखिए कितना खराब लगेगा जी, बताइए।
क्या आप अभी जो बात कह रहे थे, इन्होंने जो बातें कही, आप उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं? सुधार ये है सर, सुनो बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है जी, बात गांव के विकास की जी, गांव का सर्वांगीण विकास होना चाहिए जी। नहीं तो नौजवानों को नौकरी है, नहीं किसान का कर्जा माफ है, वो तो गई राजनीतिक बात। लेकिन हम एक्चुअल तौर से ये चाहते हैं कि गांव में कोई विकास हो, पार्टीवादी की वजह से नहीं हो रहा है ये बीजेपी की गलत है ना। जब हम गांव के विकास की बात कर रहे हैं तो आप विकास की कीजिए। जहाँ तक हमारा राजनीतिक बात है तो यहाँ से उमा शंकर पीछे चुनाव लड़े थे और गांव में सबसे ज्यादा वोट आए, फिर भी गांव की जन भावना ये है कि इसी को टिकट मिले और पूरा गांव एकजुट होकर इनके साथ रहे, उमा शंकर जी के साथ जी। तो ये बात निकल कर आई है और विकास की बात है तो कुछ हुए हैं, कुछ नहीं हुए, कुछ कह रहे हैं बहुत बढ़िया हो रहा, कुछ कह रहे हैं कि होना चाहिए था, लेकिन कुछ मुद्दे निकल कर आए। गांव के विकास की हम बात करेंगे, हम कहीं बड़े लेवल की बात नहीं करेंगे, केवल गांव में क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, इतनी बात हम करेंगे। हाँ, युवा होने के नाते क्या करें, गाँव का विकास होता है, अभी जो बीजेपी की सरकार, बीजेपी सरकार वाले क्या करते हैं कि हम गुजरात मॉडल पे काम करेंगे, पंजाब मॉडल पे काम करेंगे, हरियाणा मॉडल पे काम करेंगे, और ये जो कांग्रेस सरकार जो विकास का काम करती है वो अपने बनाए मॉडल पे मतलब काम करती है, तो कभी किसी की नकल करके विकास नहीं कर सकते। तो मेरा मानना ये है कि बीजेपी सरकार में विकास का काम नहीं हुआ है, हकीकत तो यही, क्योंकि ये लोग नकल करते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि मॉडल से काम नहीं होगा, काम जो है वो अंदर से अपने आप बना के निकले वो काम होगा जी। बहुत सही बात कही है। और कोई अगर युवा कहना चाहे, अब हम चलती चौपाल को यहाँ समेटेंगे, अगर कोई किसी के कोई विचार है, आखिरी विचार। किसी ने शीश महल देखा है? नहीं देखा। तो बीजेपी के शासन काल में अपने वो शीश महल दिखाया गया है जिसमें सिर्फ प्लास्टिक की गोलियां दी गई। प्लास्टिक की गोली का मतलब समझ रहे हैं? तो दी जाती है लेकिन खाई नहीं जा सकती, नए अंदर निकली जा सकती है। ही जनप्रतिनिधि यानी इस तहसील का ही जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है इस तहसील को, पूरी को, तारानगर तहसील को। अगर तहसील को इस तहसील का विकास करवाना है तो अपने गांव से किसी जनप्रतिनिधि को आगे लाया जाए। मेरा अनुमान है, मेरे मत से उमा शंकर शर्मा बेटर नाम है जी। तो ये अपने विचार इन्होंने रखे हैं। एक अभी तक हमारे जो तारानगर तहसील है उसमें अभी तक कोई लोकल कैंडिडेट ने बीजेपी से आया, ने कांग्रेस से आया। बैजी यहीं के नहीं थे? हमारी तहसील का विकास नहीं हो पाया। तो लोकल इस बार का जो मुद्दा है वो आपका ये है कि क्षेत्रीय मुद्दा स्थानीय। ये चलती चौपाल में हम आपको बता दें, सात्यू गांव में जो है वो विधानसभा चुनाव में, यहाँ सात्यू गांव के लोगों की मांग है कि स्थानीय का मुद्दा यहाँ सर्वोपरि रहेगा। अच्छा, अगर यहाँ पर बीजेपी या कांग्रेस एक स्थानीय दे दे और एक बाहर का व्यक्ति दे दे तो क्या करेंगे आप लोग? स्थानीय को, स्थानीय भले वो किसी पार्टी से हो, बीजेपी का हो, निर्दलीय हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन स्थानीय होना चाहिए, स्थानीय होना चाहिए, अपना होगा जी। ये बहुत बढ़िया बात कही, यही हम निकाल के लाना चाह रहे थे। सात्यू गांव से अगर 5800 वोट इन्होंने बताए हैं, इन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पर स्थानीय आता है कोई व्यक्ति तो कोई पार्टी हमें लागू नहीं होती, हम उसका पक्ष पूरा अपनी तरफ से रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। गांव के विकास की इन्होंने बात की, अपने विचार रखे। सभी जो यहाँ पर बैठे हैं, विराजमान है अतिथि, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलती चौपाल में मेरे साथी रोहित चौहान के साथ मैं डॉक्टर मनोज शर्मा, घनश्याम शर्मा के साथ मैं लेता हूं इजाजत। और विशेषकर जो सुभाष शर्मा हैं, इनका मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज की चलती चौपाल रखने में इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण जो सहयोग यहां पर दिया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और लेते हैं इजाजत। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।